हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन सीरीज सॉल्यूशन में, और ये क्वेश्चन देखिए लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो हमें पता है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, बोल क्या रहा है। लेट वाई फ्रॉम दिस इंटरवल टू आर विथ वाई वन दिस इज इक्वल टू वन सेटिस्फाइंग द लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है राउंड ऑफ टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यहाँ पे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में घुमाया कैसे है। देखिए ये कंडीशन पे आपको फोकस करना था कि जो लीजेंडर इक्वेशन का सोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, वन पे वन हो रहा है। और यहां से फ्रेंड्स आपने देखा था कि लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते थे, एक तो पॉलिनोमियल्स होते थे जिनको हम बोलते थे लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ क्या ऑर्डर एन, और दूसरा जो होता था सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन वन पे वन होता था, तो आपको पता है ये लीजेंडर पॉलिनोमियल ही वन पे वन आती थी। तो यहाँ पे जो घुमाया है वो पॉलिनोमियल न लिख के सीधे ये लिखा, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो वाई की बात कर रहा है ये लीजेंडर पॉलिनोमियल है ऑर्डर एन की। अब ध्यान दीजिए जो आपको ये पूछ रहा है वाई एक्स हमें पता होगा तो मैं सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दूंगा। वाई एक्स मतलब ये पॉलिनोमियल, ये कौन सी डिग्री कौन सी ऑर्डर की पॉलिनोमियल है ये हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, लीजेंडर इक्वेशन पता होना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार जब थ्योरी डिस्कस कर रहा था यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसेल्स इक्वेशन, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका लगुरे या फिर हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली आपको रटा होना चाहिए। अगर देखिए लीजेंडर इक्वेशन आपको अगर रटा नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ये क्या लेंगे आप, ये पॉलिनोमियल क्या लेंगे, कौन से ऑर्डर की ये पॉलिनोमियल होगी ये पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये कौन सी ऑर्डर की लीजेंडर पॉलिनोमियल होगी ये तो पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो यहां पे मुझे n चाहिए, और n निकालने के लिए हमें लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन रटा होना चाहिए। चलिए याद है फ्रेंड्स क्या होता है, तो वी हैव लीजेंडर लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है मैं लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, जो था मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1 y दिस इज इक्वल टू 0। ये होता है फ्रेंड्स, अगर नहीं याद है मैं फिर से आपको थ्योरी पोर्शन पे ले जाता हूं जहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देखिए लीजेंडर, ये देखिए यही से तो मैंने स्टार्ट किया, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना पड़ेगा, तो चलिए जब तक ये याद नहीं होगा आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए ये हो गया, अब इससे कंपेयर करिए, इस जो क्वेश्चन में दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन उससे कंपेयर करिए, ठीक है, कंपेयर करिए। तो इन दोनों में कोई टेंशन नहीं, ये जो 6 है y का कोफिशियंट और यहाँ पे क्या है n n प्लस 1, सो वी है क्या है n इंटू एन प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 6, और यहाँ से n स्क्वायर प्लस n माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ से मेरा n निकल जाएगा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तो चलिए एन स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 3n माइनस 2n माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लीजिए, n प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ से n प्लस 3 और n माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू माइनस 3 और 2 आ, ठीक है ना। अब ऑर्डर की बात करते हैं तो निगेटिव ऑर्डर तो लेंगे नहीं फ्रेंड्स, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टाइमिंग ये निगेटिव वाले को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है ना, ये मैं इग्नोर करता हूँ। अब मैं क्या लूंगा n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्डर की ये क्या है फ्रेंड्स,
ये क्या है, पॉलिनोमियल है। दैट मींस यहाँ पे जो y दिया है ना, ये y है क्या, पी टू एक्स ऑफ x। ये देखिए इंपॉर्टेंट, पी टू एक्स। मैं निगेटिव क्यों इग्नोर कर रहा हूं, ये भी आ जाते हैं, निगेटिव मैंने क्यों इग्नोर किया, माइनस थ्री क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्यों नहीं लिया। चलिए यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन है, ये देखिए ये था। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स आ रही थी, जीरो डिग्री की, जीरो ऑर्डर की, वन ऑर्डर की, टू ऑर्डर की, थ्री ऑर्डर की, यहाँ पे निगेटिव नहीं था। समेशन देखिए, एन इजकल टू जीरो से इंफिनिटी, मतलब टी का निगेटिव पावर नहीं लेना है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है, थ्योरी बहुत ढंग से करना है, मतलब यहाँ पे निगेटिव नहीं लूंगा एन की वैल्यू, क्लियर। चलिए सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था फ्रेंड्स हमने। अब चलिए तो यहाँ पे मेरा ये निकल गया कि मेरा पी टू एक्स ये है। अब पी टू एक्स होती क्या है, कैसे निकालेंगे, रोड्रिज फार्मूला। पी टू एक्स होता क्या है, रोड्रिज फार्मूला। रोड्रिज फार्मूला में आप रखेंगे, वो भी मैं बता के रखा हूं, ये सब रटा होना चाहिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं। पी टू एक्स मैंने ये आपको अंडरलाइन करके किया था, थ्योरी डिस्कस करते वक्त मैंने बोला था ये रट लीजिए, नहीं रट पाते हैं इसको रट लीजिए, क्या रोड्रिज फार्मूला। एन इजकल टू टू रखेंगे, पी टू एक्स मेरा यहां से आ जाएगा, मैंने डिराइव करके लिखा था थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू। चलिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, चलिए यहां पे रख लिया। सो वी है, वी है पी टू एक्स दिस इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, फिर से थ्री एक्स स्क्वायर, ये चीज मैंने आपको पहले से बोल रखा है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, ये रोटरी फार्मूला से मैंने निकाल लिया। सो ध्यान दीजिए कितना घुमाया था इस क्वेश्चन में, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, कितने ऑर्डर की पॉलिनोमियल है, ये पता ही नहीं था, बस ये कंडीशन दिया था, इससे ये पता हो गया था कि मेरा जो सोल्यूशन है, ये जो बोल रहा है वाई, वो क्या है, लीजेंडर पॉलिनोमियल। लेकिन वो लीजेंडर पॉलिनोमियल कितने ऑर्डर की होगी वो पता ही नहीं था। देखिए यहाँ से अब पता किया आपने, अब कुछ नहीं है, इसके आगे आप दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। मेथड वन, अब जब ये पता हो गया तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ये मेरा पी टू एक्स है, वाई एक्स क्या है मेरा, पी टू एक्स है, जो क्वेश्चन में दिया है ये पी टू एक्स है। तो रखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू दिस, और यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब यहाँ पे आपका काम शुरू होता है, बट फिर भी मैं कर दूँगा। चलिए वन बाई टू मैंने बाहर लिया, माइनस वन टू वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको अब आप मल्टीप्लाई करिए, मैं किया हूं इसलिए मैं कर दे रहा हूं, सॉल्व किया था। चलिए पहले थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, थ्री एक्स क्यूब होगा, तो चलिए थ्री एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो प्लस थ्री एक्स टू द पावर फोर, फिर माइनस वन से करेंगे, माइनस वन से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपली इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, चलिए इंटीग्रेट करिए। इसको करेंगे थ्री एक्स टू द पावर फोर बाई फोर, फिर इसको करेंगे प्लस थ्री एक्स टू द पावर फाइव बाई फाइव, इसको करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको करेंगे माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। आ गया लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, माइनस वन से वन। चलिए अब रख दीजिए वन बाई टू, पहले मैं वन रखूंगा, जब वन रखूंगा तो ये आ जाएगा थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई फाइव, प्लीज चेक करते जाइएगा, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई थ्री, मैंने वन रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स इजकल टू माइनस वन रखेंगे थ्री बाई फोर, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन के पावर फाइव है, तो ये माइनस साइन के साथ माइनस थ्री बाई फाइव, इवन पावर है तो ये वही रह जाएगा, यहाँ पे ऑड है, माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन, ये माइनस से प्लस हो गया, ये हो गया। अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो, ये माइनस वन बाई माइनस थ्री बाई फोर होगा, ये प्लस थ्री बाई फोर यहाँ से कैंसिल, ये देखिए प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस ऐड होगा, ये माइनस वन बाई टू है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे, ये माइनस है, ये भी माइनस तो माइनस ही आएगा, क्या हो जाएगा, चलिए क्या होगा, ये और ये जब ऐड होंगे तो टू टाइम्स हो जाएगा थ्री बाई फाइव, और ये ध्यान दीजिए माइनस और ये माइनस तो माइनस टू बाई थ्री। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू बाहर रखिए,
सिक्स बाई फाइव माइनस टू बाई थ्री, यही आएगा फ्रेंड्स। एलसीएम लीजिए, वन बाई टू बाहर रखिए, अभी एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 15 होगा एलसीएम, और यहाँ 3 से करेंगे 18 माइनस 5 से करेंगे 10, अल्टीमेट ये 8 हो जाएगा, 8 बाई 2 इंटू 15 मतलब 4 बाई 15, 2 से कैंसिल आउट किया और ये मेरा क्या आएगा, 4 को 15 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट करिए 0 मतलब 26, मेरा आंसर क्या आ रहा है 0.26। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 0.26। अब चूंकि आंसर टाइप मैंने मैच किया मिरेकल जो आंसर टाइप में, तो उसने आंसर क्या दिया था माइनस टू पॉइंट सॉरी पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट थ्री जीरो, तो ऑब्वियस ही बात है इसी बीच में ये आंसर आ रहा है, तो 0.26 मेरा आंसर होगा, और जो आंसर उसमें दिया था एक्चुअल जो आंसर की में 0.25 to 0.30, प्लीज चेक करिएगा कितना आसानी से आंसर आ गया। बोलिए मेथड टू, यही तो मेरा मेन था, मेथड टू मैंने आपको याद करिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, याद है इस पे मैंने क्वेश्चन भी किया, ये ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधा सीधा मेरा पॉलिनोमियल क्या है पी टू, यही पे मैं हिंट देता हूँ माइनस वन टू वन, एफ एक्स क्वेश्चन में क्या दिया है, वो एफ एक्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ एक्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछ रहा था वो एक्स, देखिए एफ एक्स की वैल्यू दिया है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे ये पी एन एक्स मेरा क्या है पी टू एक्स पी एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो बाई फार्मूला इसके क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, टू टू मतलब एन की वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल कितने ऑर्डर की है टू, तो टू स्क्वायर फैक्टोरियल टू इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कि पावर एन, ये टू हो जाएगा, और एफ एन इसको टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार करेंगे वन प्लस टू एक्स आएगा, अगली बार करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स टू आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा टू डी एक्स, इसको आप सॉल्व करिएगा देखिएगा वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, समझ में आया कि नहीं प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड भी आपके पास है, होपफुली मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा, बड़ी आसानी से आप कर पाते अगर आपके पास प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, में बार बार बोल रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस में कॉन्सेप्ट जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिस, में बार बार बोल रहा हूं, चाहे अभी आप ओडी कर रहे हैं बाद में पीडी करेंगे, सबके लिए मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में बस हिंट दिया था कि ये जो है मेरा सोल्यूशन जो है, ये अगर सोल्यूशन है सच दैट ये कंडीशन, मतलब वो लीजेंडर पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, लेकिन लीजेंडर पॉलिनोमियल में कौन से ऑर्डर की पॉलिनोमियल है वो निकालने के लिए लीजेंडर इक्वेशन रटा होना चाहिए था फ्रेंड्स, और उसके बाद आपने निकाला कि कौन से ऑर्डर की पॉलिनोमियल। अब इसके आगे फर्दर ये क्या होगी, रोड्रिस फार्मूला या फिर आप ये पॉलिनोमियल्स कम से कम थर्ड ऑर्डर तक की तो रट जाइए, उसके बाद बस वैल्यूज रख के आपका आंसर निकल जाता, इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन था जो आप नहीं कर पाते, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था आपके पास पहुंच पाया होगा, और इन क्वेश्चन से मैं आपको क्या इंडिकेट करना चाहता हूँ वो भी आपके पास पहुंच पाया होगा, क्या इंडिकेट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, थ्योरीज पोर्शन जो जो मैंने डिस्कस किया उन टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियरली पढ़िए, उनको रट जाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन बेसेंस क्या होता है वो रट जाइए, लीजेंडर क्या होता है वो रट जाइए, लगुरे क्या होता है वो रट जाइए, हर्माइट क्या होता है वो रट जाइए, ठीक है। फिर लीजेंडर पॉलिनोमियल्स में मैंने जो रोड्रिस फार्मूला बताया वो रट जाइए, सारी चीजें रट जाइए फ्रेंड्स, और रट जाइए उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए, यही मेरा इंडिकेशन है इन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए सो होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।